वेलकम बैक इन रिव्यू शाइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच एसेंस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टे टाइमिंग, इसकी फ्रेग्रेंस और भी बाकी सारे फैक्टर्स की। और इस परफ्यूम को मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा एंड रिव्यू शाइन को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। चलिए लेट्स ओपन इट। जैसा कि आपको पता है कि इसकी प्रीवियस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिव्यू की ही बात करेंगे। तो एज यू कैन सी इसका जो लुक है काफ़ी क्लासी है। बॉटल बहुत ही प्रेटी है इसकी। और बात करें अगर इसकी क्वांटिटी की तो दिस इज 60 ml, ये 60 ml की बॉटल है। लेकिन मुझे इसका जो लुक है वो काफ़ी पसंद आया। आप लोग इसे ईजिली कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं बिकॉज बॉटल इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड स्मॉल, तो आप इसे ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी परफ्यूम के रिव्यू में। तो बिकॉज ऑफ ये एक ऑडियो परफ्यूम है तो इसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी, मैं आपको बता दूं अगर आप इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो जैसे लाइक ग्रीन लश ग्रासेस में जैसे थोड़ी सी स्मेल आती है ना स्टार्टिंग में, तो ये उस टाइप की है, मतलब थोड़ी फ्रेश सी फीलिंग देने वाली है। अब अगर बात करें इसके नोट्स की तो इसका जो टॉप नोट है परफ्यूम को, जब मतलब आप स्प्रे करते हैं, जो सबसे टॉप नोट है वो है इसका थाइम, एंड इसके बाद मिडल नोट जो है वो है लेदर, एंड बेस नोट है एम्बर। तो नोट इसके सारे ही नोट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे जितने भी आपको थाइम है, लेदर, एम्बर, तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा ये थोड़ी सी हार्ड स्मेल करता है स्टार्टिंग में, तो जैसे आप इसे स्प्रे करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड स्मेल करेगा, बट ग्रेजुअली इसकी स्मेल थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट होती जाती है, सॉफ्ट स्मेल हो जाती है, और धीरे धीरे मतलब इसका जो स्मेलिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मीन्स ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड परफ्यूम और स्मेल भी काफ़ी अच्छी, बस स्टार्टिंग में थोड़ी हार्ड लग सकती है, तो जिन लोगों को ये हार्ड परफ्यूम वाले स्मेल पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट है। मतलब सॉफ्ट स्मेल पसंद होती है तो सॉफ्ट फ्रेग्रेंस पसंद होती है उनके लिए, वो लोग एक बार थोड़ा देख लें कि वो इसे लेना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हार्ड है, देन उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे टाइमिंग। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टे टाइमिंग बहुत अच्छी है। लाइक अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं और इसको आप यूज़ करके आप एसी या ऐसे मतलब एयर कंडीशनर रूम में बैठते हैं या वहाँ पे वर्क करते हैं तो ये ईजिली 12 आवर स्टे करेगी, मतलब 12 घंटे इज़ अ गुड टाइम, 12 घंटे तक ये बॉडी पर रहेगी। देन अगर आप लोग मतलब ऑफिस वर्क करते हैं, लाइक नॉर्मली ऑफिस वर्क करते हैं स्कूल में, तो ये वही मान के चलिए ऑलमोस्ट 10 आवर रहेगी। बट अगर आप फील्ड एरिया में वर्क कर रहे हैं तो ये वही 7 से 8 आवर्स रहती है स्टे टाइमिंग इसकी, थोड़ी कम हो जाती है, 7 से 8 आवर रहती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इस रेंज में ये स्टे टाइमिंग होना इम्पॉसिबल रहता है, बट इसमें है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो एज यू कैन सी इसके बॉक्स में लिखा हुआ है 349 rupees, मीन्स अगर आप इसे मार्केट से परचेज करते हैं तो 40 rupees से आते वो लोग रिड्यूस नहीं करते, बट मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो ये मुझे ऑलमोस्ट 300 rupees का मिला था। 60 ml क्वांटिटी है इसकी और ये 300 rupees में मिला था, क्योंकि इसकी स्टे टाइमिंग बहुत अच्छी है और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी यूनिक है, फ्रेश फीलिंग वाली है एंड क्लासी भी है, तो इसके लिए प्राइस रेंज बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कोई ज़्यादा नहीं है और बहुत ही बेस्ट डील है, यू शुड गो फॉर इट। कि गिफ्ट के पर्पज़ से भी ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा है, सबको पसंद आने वाला परफ्यूम है ये। बात करें अगर इसकी रेटिंग की तो मैं इसको 4 out of 5 रेटिंग दूंगी। एक कम इसलिए किया क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में हार्ड लगती है, जो ज़्यादातर लोगों को शायद पसंद ना आए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 70% लोगों को पसंद आएगी, बट 30% लोग ऐसे भी हुए जिन्हें ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ 4 out of 5 star रेटिंग। आपको ये परफ्यूम और रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आप और कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं वो भी आप बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।